शादी, सगाई, बर्थडे से लेकर तमाम मौकों पर गिफ्ट देने का चलन है। वहीं अपनों की खुशी के लिए कई बार हम भगवान की मूर्ति या तस्वीर गिफ्ट में दे देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान की मूर्ति गिफ्ट में देना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसा क्यों, और इसके अलावा भी और कौन सी चीजें हैं जिन्हें कभी भी गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुंडली टीवी पर। वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। इन्हें रखने और इनकी पूजा करने का एक विधान होता है, इसीलिए इन्हें खुद ही रखना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा ना करे तो इसका उस पर और उसके परिवार पर नकारात्मक प्रभाव होता है। यही नहीं, जिस व्यक्ति ने इसे गिफ्ट में दिया है उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए भगवान की देखभाल करने में सक्षम है तो निश्चित ही आप उसे ये गिफ्ट रूप में दे सकते हैं। तो वहीं कुछ लोग गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति को बहुत शुभ मानते हैं, और ऐसा है भी। गणपति और लक्ष्मी की मूर्ति बहुत शुभ है अगर आप अपने लिए खरीद रहे हैं तो। लेकिन अगर आप किसी और को देने के लिए खरीद रहे हैं तो ये ऐसा है कि आप अपनी सुख और समृद्धि, धन और लक्ष्मी किसी और को दे रहे हैं। इसीलिए किसी को उपहार में गणेश लक्ष्मी की मूर्ति न दें। ज्योतिष शास्त्र की माने तो किसी को रूमाल देना या किसी से लेना या फिर किसी का रूमाल इस्तेमाल करके अपने पास ही रख लेना, इन सभी परिस्थितियों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर रूमाल गिफ्ट में दिया जाए तो देने वाले और लेने वाले दोनों पर इसका बुरा असर होता है। और गिफ्ट में कभी किसी को काले रंग के कपड़े नहीं देने चाहिए, इसे पीड़ादायक और मृत्यु कारक माना जाता है। इसके अलावा उपहार में घड़ी लेना देना भी शुभ नहीं माना जाता है, इसे प्रगति को रोकना माना जाता है। यही नहीं, किसी को जूते उपहार देना या किसी से उपहार में जूते मिलना भी शुभ नहीं माना जाता है, ये जुदाई का प्रतीक माना गया है। प्रेमी तो बिल्कुल भी अपने पार्टनर को जूते उपहार में न दें। अगर आप ये उपहार देते हैं तो उनके और आपके रास्ते अलग हो सकते हैं। अक्सर लोग कारोबार से जुड़ी वस्तुएं दोस्तों के साथ या अपने क्लाइंट को गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वास्तु विज्ञान के अनुसार ऐसा करके आप अपने बिजनेस की समृद्धि किसी और को दे देते हैं, इसलिए ऐसा करने से बचें। नुकीली चीजों का नकारात्मक प्रभाव वाला माना जाता है। चाकू या कैंची जैसी नुकीली वस्तुएं जब भी अग्नित तत्व से बाहर आती हैं तो ये उस विशेष स्थान पर अपना नकारात्मक प्रभाव बनाती हैं, और ऐसी चीज को गिफ्ट करना अशुभ माना गया है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट।